बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम ऑडिट एंड एश्योरेंस का क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में अभी हम थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑडिट कैसे कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क असेसमेंट हम कैसे करेंगे। हमने जिस तरह से पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि रिस्क असेसमेंट हम करते हैं कि इस कंपनी में मिस स्टेटमेंट्स की कितने चांसेस हैं, इस कंपनी में फ्रॉड के कितने चांसेस हैं, या जो इस कंपनी या जो इसकी रेलेवेंट ये पूरी इंडस्ट्री है उसमें मिस स्टेटमेंट्स के किस तरह कितने चांसेस हैं। हमने रिस्क को असेस किया। हर कंपनी के अपने इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल फॉर एग्जांपल हम सेल्स को देख लेते हैं, या हम देख लेते हैं सिंपल सी इन्वेंट्री को देख लेते हैं। इन्वेंट्री हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं फिर बेचते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है परचेज करने का। जो स्टोर कीपर होता है जहां पर गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी होती है, जब वो देखता है कि यहां पर इस आइटम की इन्वेंट्री इतने आइटम पड़े हुए हैं जिस डेट तक ख़त्म हो जाएंगे, दो दिन के अंदर या तीन दिन के अंदर, वो अपना एक रिक्विजिशन फॉर्म बनाता है। वो अपना बनाता है रिक्विजिशन फॉर्म, कितनी इन्वेंट्री ये मेरे पास अवेलेबल है और इतनी अभी हमने नई परचेज करनी है। वो फॉर्म बनाकर, वो रिक्विजिशन फॉर्म बनाकर वो भेजता है, किसको भेजता है, अपने परचेज डिपार्टमेंट जो है उस कंपनी का उसको भेजता है। वहाँ से उसकी क्या होती है, प्रॉपर अप्रूवल होती है। फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, तीन चार सप्लायर से कॉन्टैक्ट करता है जो उस प्रोडक्ट की क्या को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। उनसे कहते हैं कि वो अपनी कोटेशन फाइल करें। फिर वो सप्लायर अपनी कोटेशन फाइल करते हैं, तो कोटेशन से वो चेक करते हैं कि कौन से सप्लायर का रेट सबसे कम है। फिर जो रेलेवेंट सप्लायर होता है जिसका सबसे कम रेट होता है, तो फिर उसको क्या करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, परचेज ऑर्डर भेजते हैं। परचेज ऑर्डर की कॉपी अपने पास भी रखते हैं, उनको भी भेजते हैं। जब परचेज ऑर्डर अप्रूव होता है, जब उनकी गुड्स आती हैं, तो गुड्स रिसीव नोट आता है। तो जो भी बंदा उन गुड्स को रिसीव करता है या गोडाउन में जो स्टोर कीपर अपने पास रखता है, वो GRN गुड रिसीव नोट पे क्या करता है, साइन करता है। फिर एक कॉपी अपने पास रखता है, एक साथ अटैच करके बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसमें अटैच होता है रिक्विजिशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट, वो भेज देता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, ताकि वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर सके। उसके साथ इनवॉइस भी लगी होती है, जो हमारे सप्लायर ने साथ में इनवॉइस भेजी होती है, परचेज इनवॉइस, जिसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्वांटिटी लिखी होती है और प्राइस लिखी होती है। फिर जूनियर अकाउंटेंट उस इनवॉइस की डबल एंट्री रिकॉर्ड करता है इंडिविजुअल अकाउंट्स में, सब्सिडरी अकाउंट्स में। फिर वो सारी इनवॉइसेस जनरेट करने के बाद उसको स्टेपल करके सीनियर अकाउंटेंट को देता है, जो उसकी कंट्रोल अकाउंट में क्या करता है, एंट्री करता है, ट्रेड पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। क्रेडिट पीरियड के अंदर जब उसकी वो पेमेंट करते हैं, तो वो चेक साथ की चेक जो इशू होता है, उसकी फाइनल अथॉरिटी होती है, जिसके पास सिग्नेचर करने की अथॉरिटी होती है, सिग्नेचर करवाने के बाद उस चेक की एक कॉपी, जो पेमेंट चेक की एक कॉपी, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टेपल करके अपने पास फाइल में लगा देते हैं और वो चेक भेज देते हैं ट्रेड पे जो उनका पेबल होता है। साथ में लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट की वो भी लगाते हैं शीट भी, कि हाँ आपको चेक जब रिसीव हो जाए इसके ऊपर साइन करके हमें वापस भिजवा दें। ये क्या है, प्रॉपर कंट्रोल है, एक सिस्टम है। तो ये क्या, हम टेस्ट करते हैं क्या ये कंट्रोल जो कंपनी ने बनाए हुए हैं एक्चुअली में ये वहाँ पर एक काम इन पर हो भी रहा होता है, ये फॉलो कर भी रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते। यहाँ पर कंट्रोल जितने अच्छे होते हैं, जहाँ पर जो जितने अच्छे कंट्रोल होने के बाद अगर वो फॉलो हो रहे होते हैं, वहाँ पर फ्रॉड की, वहाँ पर जो मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस उतने ही क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर हम जब हम टेस्ट कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कंट्रोल्स कम हैं, बुरे हैं कंट्रोल्स, वीकनेसेस हैं, तो यहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं। हम फिर अपने प्रोसीजर्स लगाते हैं सेल्स को वेरीफाई करने के लिए, परचेजर्स को वेरीफाई करने के लिए, PPE को वेरीफाई करने के लिए, जो हम आगे डिटेल में सारे पढ़ेंगे। फिर हम उन सब्सटेंटिव प्रोसीजर से हम जो उनको चेक करते हैं, जब हम जो वाउचिंग करते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, एविडेंसेस निकालते हैं। एविडेंस से हम हमारे पास आते हैं, हम उनका कितने चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं अपने पास, हम क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं। फिर हम उन सब चीज़ों को कंक्लूड करके जो मैटर हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं उसके ऊपर हम क्या देते हैं, अपना
ओपिनियन देते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या हम ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। ये था हमारा ऑडिट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होती है कंपनी के जो किसी भी कंट्री के जो लोकल लॉज होते हैं वो किस वो उनकी क्या वो क्या क्वालिफिकेशंस वो को बताते हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की, और कुछ एथिकल भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एथिकल जो हम एथिक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उसमें एथिक्स में भी बताते हैं कि एक ऑडिटर के लिए ये चीज़ें होना मस्ट हैं। हम फिर पहले देखेंगे जो हमारी लीगल जो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, फिर हम एथिक्स की रिक्वायरमेंट देखेंगे।